नमस्कार दोस्तों, सीजी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में भर्ती संबंधित विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। तो इन पदों के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आप लोगों को प्रतिमा कितना वेतन दिया जाएगा, दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला विज्ञापन जारी काले प्राचार्य शासकीय विजय भूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय जिला जशपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत दोस्तों अतिथि व्याख्याता के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। और फाइनली दोस्तों आप लोगों से कोई एग्जाम या परीक्षा नहीं लिया जाएगा, मेरिट सूची के आधार पर सीधा भर्ती किया जाएगा। आप लोग यहां पर पद का नाम देख सकते हो, समाज शास्त्र के एक पद पर भर्ती किया जाएगा। और इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ में स्नातोत्तर की उपाधि होना चाहिए संबंधित विषय में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातोत्तर की उपाधि होना चाहिए। और दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हो किस प्रकार से आप लोगों का चयन किया जाएगा, यहां पर डिटेल से जानकारी दिया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी व्याख्याता के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वे 8 नवम्बर 2022 तक अपना बायोडाटा, पंजीकृत डाक या फिर स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप लोगों को प्रतिमा कितना वेतन दिया जाएगा। अतिथि व्याख्याता को मानदेय का भुगतान प्रति व्याख्यान 300 रुपये दिया जाएगा, प्रति कालखंड आप लोगों को अधिकतम 1200 रुपये और प्रति माह 31,200 रुपये वेतन दिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ लिंक दिया गया है, यहाँ पर जाके आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन विज्ञापन डाउनलोड करके इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दूसरा विज्ञापन जारी काले कलेक्टर जिला बस्तर जगदलपुर आदिवासी विकास विभाग के द्वारा, जिसके अंतर्गत 200 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वे 21 नवंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग यहां पर पद का नाम देख सकते हो, कौन कौन सा पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जिला परियोजना समन्वयक के एक पद पर भर्ती किया जाएगा, प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 18,000 रुपये, 9 माह के लिए भर्ती किया जाएगा जिला स्तर पर। इसी प्रकार क्षेत्रीय कार्यकर्ता फील्ड वर्कर के टोटल 2 पद पर भर्ती किया जाएगा, प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा 15,000 रुपये। और दोस्तों फील्ड वर्कर को भी 9 माह के लिए भर्ती किया जाएगा अनुभाग स्तर पर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है। शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक ग्रेजुएट की उपाधि होना चाहिए। इसी के साथ कंप्यूटर का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए 40 वर्ष। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होना चाहिए। और फाइनली दोस्तों आप लोगों से कोई एग्जाम या परीक्षा नहीं लिया जाएगा, साक्षात्कार के आधार पर आप लोगों का सीधा भर्ती किया जाएगा। आप लोग यहाँ पर डिटेल से जानकारी पढ़ सकते हो। और बेहद ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप लोग इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, आप लोग यहां पर पढ़ सकते हो जिला परियोजना समन्वयक का क्या कार्य होगा, जिला परियोजना समन्वयक को क्या काम करना होगा, यहां पर डिटेल से जानकारी दिया गया है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ने के बाद ही दोस्तों आप लोग अप्लाई करें, आवेदन करें। इसी प्रकार क्षेत्रीय कार्यकर्ता फील्ड वर्कर को क्या काम करना है, वो भी यहाँ पर डिटेल से जानकारी दिया गया है। आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। तीसरा विज्ञापन जारी काले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत 200 स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो फाइनली 200 कौशल परीक्षा लिखित परीक्षा होने के बाद में अंतिम चयन सूची जारी कर दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों का मूल दस्तावेज सत्यापन दिनांक 9 नवंबर 2022 दिन बुधवार को प्रातः 10:30 बजे से कार्यालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बलरामपुर के एचआर शाखा में किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने कौशल परीक्षा या लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, आप लोगों ने इन पदों के लिए आवेदन किया था, अप्लाई किया था, तो चयन सूची में आप लोगों का नाम है या नहीं, यहाँ पर आप लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों आप लोग यहां पर विभाग का नाम पढ़ सकते हो, इसी के नीचे पात्र अभ्यर्थियों कौशल परीक्षा उपरांत उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण सूची यहां पर जारी किया गया है। आप लोग यहां पर जितने भी अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया, आवेदन किया है, उनका यहां पर नाम दिया गया है और अन्य जानकारी दिया गया है। और अंतिम में दोस्तों आप लोग यहाँ पर रिमार्क पढ़ सकते हो, यहाँ पर कौन अभ्यर्थी उत्तीर्ण है और कौन अनुत्तीर्ण है, यहाँ पर डिटेल से जानकारी दिया गया है। आप लोग यहाँ पर
वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पर डिटेल से जानकारी दिया गया है। चौथा विज्ञापन जारी काला कलेक्टर अध्यक्ष सेजस विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति जिला शक्ति छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत 200 शिक्षक विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, तो फाइनली नियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। जितने भी अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया, आवेदन किया है, आप लोग यहाँ पर नाम देख सकते हो है या नहीं। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, इसी के बगल में उसके पिता पति का नाम दिया गया और अन्य जानकारी दिया गया है। और अंतिम में दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को प्रतिमा कितना वेतन दिया जाएगा, यहाँ पर डिटेल से जानकारी दिया गया है। जितने भी अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है, जिनका चयन किया गया है, यहाँ पर डिटेल से जानकारी दिया गया है। इन्हीं अभ्यर्थियों का नियुक्ति किया जाना है। और बेहद ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जितने भी अभ्यर्थियों का इस सूची में नाम है वे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अंडभार जिला शक्ति में 12 नवंबर 2022 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। और दोस्तों अगर आप लोग कार्यभार ग्रहण नहीं करते हो दिए गए तिथि के अंतर्गत, तो आप लोग का ये आदेश जो है वो निरस्त माना जाएगा। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ने के बाद ही जाएं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इन विज्ञापनों संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी विज्ञापनों का लिंक दे दूंगा। आप लोग वहां पर जाके डाउनलोड करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और इन विज्ञापनों से संबंधित या फिर शिक्षा से संबंधित या फिर अन्य भर्तियों संबंधित दोस्तों अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।